यहाँ के महंत श्री रविशंकर दास जी से इस मंदिर के महात्म के बारे में कुछ पूछते हैं। देखिए भगवान सोमेश्वर नाथ धाम अरे राज चंपारण बिहार, जो बिहार के प्राचीनतम तीर्थस्थलों में से है, यहाँ साल के 10 ऐसे अवसरों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त भगवान के यहाँ जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। साथ ही लगन के समय में हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, लखराम अष्टजाम इत्यादि करते हैं। इनको मनोकामना शिवलिंग के रूप में भी बिहार सहित देश के अनेक प्रदेशों में जाना जाता है। मनोकामना शिवलिंग के रूप में जाना जाता है, यहाँ आने वाले सभी भक्तों की कामना पूरी होती है। यहाँ इस मंदिर के बारे में हम लोग मैंने कहीं से सूत्रों से या पढ़े हुए हैं कि चंद्रदेव के द्वारा ये शिवलिंग का निर्माण किया गया। कई विद्वानों के द्वारा दो चार कहानी के माध्यम से ऐसा बताया गया है, अखबारों के माध्यम से ऐसा बताया गया है। चूंकि प्राचीनतम तीर्थस्थलों में से एक है और यहाँ देवी देवता किन्नर गंधर्व सभी योनियों के लोग देवता आदि तक भगवान सोमेश्वरनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जो भी कष्ट रहे हों उसके निवारण के लिए यहाँ भगवान की सेवा किए हैं और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति किए हैं। वैसे भगवान चंद्रदेव के द्वारा स्थापना की बात भी उसी संदर्भ में कही गई है और भगवान हर युगों में इनके यहाँ स्वयं भी शिवलिंग के रूप में स्थापित होने की बात भी स्पष्ट समझ में आती है और शिवलिंग की प्राचीनता को भी देख कर यह स्पष्ट समझा जा सकता है। और यहाँ जो संन्यास परंपरा द्वारा इस पीठ का जो संचालन होता रहा है, इस महंत के परंपरा को भी देखा जाए, अवलोकन किया जाए, तो शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य के समय के पूर्व से इस पीठ के होने की बात स्पष्ट होती है। जी हम लोग युगों से इस मैंने इस मंदिर के बारे में कहानी सुन चुके हैं कि जैसे माता सीता जनकपुर से अयोध्या जाने के क्रम में यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की गई थी, उसके बारे में आपको जानकारी जो है सो बताएं हमारे दोस्तों। दरअसल त्रेता युग में भगवान विवाह के उपरांत, चूंकि एकमात्र यह मार्ग था जनकपुर जाने का जो गोविंदगंज घाट के नाम से सुप्रसिद्ध है, आज हम लोग गोविंदगंज विधानसभा में भी बैठे हुए हैं, और इसी मार्ग से भगवान माँ जानकी के साथ जो है भ्रमण किए और यहाँ सामने में पार्वती कुंड है जिसके जल से भगवान का जलाभिषेक किए। सर्वप्रथम भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ शंकर पार्वती गठबंधन कर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान से उन्होंने कामना की और वाल्मीकि आश्रम में लौ कुश के रूप में तो माता जानकी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से यहाँ जो शादी के जोड़े में जो लोग आते हैं, विवाह नवविवाहित लोग आते हैं, वो लोग पुत्र रत्न की प्राप्ति अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करते हुए भगवान के यहाँ गठबंधन की परंपरा को संपन्न करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका, और आपको सीधे ले चलते हैं लुक स्मार्ट न्यूज चैनल के स्टूडियो जहां से आगे की खबर आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।